दोस्तों अक्सर ये चीज़ें सामने आती हैं कि मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है आपस में किसी की। लड़ाई होने के बाद में जो एक ग्रुप जो काफ़ी स्ट्रांग होता है या कोई एक व्यक्ति जो असामाजिक तत्व में ऐसे लोगों को बोलता हूँ जो खामा खामे लड़ाइयाँ लोगों से करते फिरते हैं, थप्पड़ मारना, लात घूसे मारना, किसी की पिटाई कर देता है, डंडे वंडे से किसी को मारता है, इवन की थोड़ी सी गहरी चोट भी आ जाती है। और जब ये मामला पहुंचता है थाने में तो उसी व्यक्ति का थोड़ा रसूख होता है या फिर उस पार्टी का रसूख होता है, उसको मोहल्ले में लोग जानते हैं, थाने पुलिस में उसकी अच्छी उठ बैठ होती है। तो ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि जो मामला या तो 751 छोटा मोटा लगाकर बस बाहर से बाहर निपटा देते हैं या फिर 323 लगाकर छोड़ देते हैं, 323 लगा देते हैं, 506 लगा देते हैं, 341 लगा देते हैं, 34 लगा देते हैं, ये कुछ धाराएं में लगाकर और छोड़ देते हैं मामले को। और मामले ये हैं क्या चीज़, 323 की बात करें जमानती अपराध है, हम बाकी मामलों की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा अपराध की बात की नहीं गई है, और 323 में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक साल की पनिशमेंट है। दोस्तों आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, आपके साथ मार पिटाई हुई, आप पिटे हो उस चीज़ में और सामने वाली पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तो आप कैसे उस केस को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, मतलब पुलिस स्टेशन में ही। और पुलिस स्टेशन में धाराएं लगा दी गई हैं 323 जैसी, जबकि मामला बनता है 326 का, और 326 में आपका केस ना भी आए तो भी कैसे आप उस मामले को अरेस्ट करवा सकते हो, ऐसे लोगों को, ऐसे मामले को सीरियस बना सकते हो। और लड़ाई झगड़े दोस्तों होते ही रहते हैं आस पड़ोस में, तो आपको पता होने चाहिए आपके अधिकारों के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कब छोटी मोटी लड़ाई को भी आप सीरियस रूप दे सकते हैं अगर कोई जानबूझ के आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों ये अक्सर देखते हैं हम लोग कि डेली ही सुनाई देता है कि किसी भी गली मोहल्ले में या दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर रात को पी खाकर आपस में भिड़ गए लोग। और पिटने वाला जो व्यक्ति होता है अगर वो कमजोर है या उसे कानून का नहीं पता या फिर उसके साथ कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है तो उसको खाना पूर्ति करके सिर्फ 323 की एक एफआईआर बनाकर छोड़ दिया जाता है सामने वाली पार्टी को, उसके थाने में जमानत ले लेते हैं, फिर ये केस जाता है कोर्ट में, आप कुछ दिन कोर्ट में आते जाते हो, कॉम्प्रोमाइज होता है और केस खत्म हो जाता है। ये होता सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों अगर किसी ने आपको ऐसे मारा पीटा है तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन तो करना ही चाहिए। अब बात क्या होती है दोस्तों कि जब हम 323 को समझते हैं, 323 कहता क्या है, 323 ये कहता है कि जब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, छोटी मोटी मार पिटाई हुई, छोटी मोटी किसी के साथ में कोई चोट लगी, तो ऐसे मामले में सामने वाले पर अपराध होता है। अब अपराध भी दो तरीके से बनता है, आप अगर इसमें पढ़ेंगे 319 को और 321 को तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जहां बताया गया है कि 319 क्या है और 321 क्या है। 319 का मतलब क्या होता है कि मतलब अनजाने में चोट मारना, मतलब कि हम चोट मारना नहीं चाहते थे, चोट लग गई, तो 319 ये बोलता है। और 321 क्या बोलता है, जानबूझकर किसी को कोई चोट मारना। बट इनकी कोई खुद की अपने आप में तो सजा होती नहीं, कई बार आप देखते हो कि आपको जो मारने पीटने लोग आए थे वो दो या दो से ज्यादा लोग थे, मतलब 5-6 लोगों ने आके ढंग से आपको धो दिया, लात घुसे मार दिए, बाद में केस बन गया 323 का, तो सामने वाला कुछ गया ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बाद में आपको, हद से उसके ऊपर फाइन हो भी गया तो 1000 रुपये का होगा मैक्सिमम, और जो सजा होगी एक साल की, पनिशमेंट होता ही कहाँ ऐसे मामलों में, वो बाद में कॉम्प्रोमाइज ही हो जाता है, हर इंसान यही करता है ऐसे मामलों में। तो आपको सीरियस बनाना चाहिए, 34 भी लग भी गई तो 34 की खुद अपने आप में कोई सजा नहीं होती। अब आप करेंगे क्या, अब आप इस बात को समझिए दोस्तों, अगर आप देखें तो 323 में 323 IPC इंडियन पीनल कोड 1860 का जो कानून है ये क्या बोलता है, क्या क्या सेक्शंस को आपको उसके ऊपर ऐड करना चाहिए। पहले मैं सीरियस से आता हूँ, सीरियस क्या होता है कि मान लीजिए जिसने आपको मारा पीटा रात में आपके घर में घुसा और उसने आपको मारा पीटा, थप्पड़ ही मार दिया, मान लो थप्पड़ पर लात घुसे आपको मार दिए, तो ऐसे मामले में रात में जो घर में घुसा है 458 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। घर में जो घुसा व्यक्ति 14 साल की सजा हो सकती है उसको। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको सिर्फ मारा, मतलब घर में घुसकर मारा, वो कोई भी टाइम था, तो ऐसे मामले में 452 IPC इंडियन पीनल कोड को आप पढ़ेंगे तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। देखा गया है अक्सर ऐसे जब आसपास लड़ाई होती है तो एक आदमी घर के अंदर खड़ा होता है, घर के अंदर घुसकर सामने वाला व्यक्ति अपने आप को दबंगई दिखाने के लिए घर में घुस के मारना शुरू कर देता है, कई बार रात में दरवाजा खुलवा कर मारना शुरू कर दे, तो ऐसे मामले बुक कर दो ऐसे बंदे को, तो
आपने बुक कर दिया तो बंदा आराम से जेल जाएगा, और ऐसे लोगों की जमानत थाने से नहीं होगी। मैं कई बार देखता हूँ जब हमारे पास कॉल आते हैं कभी कभी, अभी रिसेंट में मेरे एक जानकार का कॉल मेरे पास आया कि भाई मैं दुकान में काम कर रहा था, लोग मेरे पास आए और पहले तो मेरे दरवाजे का बहुत गेट पीटा, और जब मैंने गेट खोला घर में घुस के लोगों ने मुझे खूब मारा पीटा और मार पीटे घसीट कर बाहर तक ले आए और मारते रहे मुझे, और वो CCTV में भी है वो चीज़ है। फिर भी जो FIR कटी वो 323 की कटी। क्यों कटी? आपके साथ कोई समझदार व्यक्ति नहीं था। अपने साथ आपके कोई जानकार समझदार वकील साहब अगर हैं तो उनकी आप राय जरूर ले लिया कीजिए। कई बार ऐसा होता है सीरियस मामले को ही आपके वकील साहब बहुत ही नॉर्मल मामला बनवा देते हैं और बहुत नॉर्मल मामले को सीरियस बनवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दो सेक्शन सभी बताए। चलो ये दो सेक्शन थे, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मामला क्या होता है? मामला जाएगा सेशंस कोर्ट में, क्योंकि आपने इसके अंदर 458 भी ऐड करवा दी है। अब जो ट्रायल है, जो मामला जाना था पहले 323 का मजिस्ट्रेट साहब के पास, अब यह मामला जाएगा सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में जाएगा, वहां सुनवाई इसकी होगी, साथ में ही ऐसे लोगों के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई भी इंसान रह रहा है, अपना काम काज कर रहा है, ठीक ठाक उसकी रेप्यूटेशन है, आपने मारा पीटा तो ऑब्वियसली बात है मान हानि तो करी दी, तो यहां पर आपको 499 और 500 IPC जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इसका भी आपको हवाला लेना चाहिए कि मान हानि भी आपके साथ हुई है। ये चीजों को आपको देखना चाहिए, और आप अगर नहीं देखेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम तो है ही है। एक आम आदमी को समझ बस इतनी सी होती है कि मारपीट हुई, पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जो भी सेक्शन लग गए, बस FIR हो गई, FIR हो गई तो जी हमारे फेवर में मामला आ गया। दोस्तों उन FIR में ही झोल होता है, जो एक रसूखदार व्यक्ति होता है जिसका उठबैठ अच्छी होती है पुलिस स्टेशन में, थाने में, लोगों के साथ में, वो 2 मिनट में FIR को चेंज करवा देता है। और अगर ऐसे में आपके साथ गलत हुआ है, अपने आप वकील साहब से मिले और वकील साहब थोड़े से भी समझदार हैं, तो उसी FIR में अब वो इन सेक्शंस को ऐड करा सकते हैं, उसी स्टोरी के अंदर पूरी पढ़ने के बाद ये मामला पूरा आपके फेवर में आ सकता है। पुलिस क्या करती है, कई बार फेवर कर देती है लोगों का, पर जो आपके वकील साहब हैं वो फेवर ऐसे नहीं करेंगे। आपके साथ जो वकील साहब हैं उनकी एडवाइस आप लीजिए, कंप्लेंट को उसी तरह से दीजिए। होता क्या है कि आप कंप्लेंट जब लेकर जाते हैं या बोलने के लिए जाते हैं, आप कंसल्ट नहीं करते कि होता क्या है, आप जाके स्टोरी बनाते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से पूरी FIR बदल जा सकती है, पूरी FIR बदल जाती है सिर्फ एक लाइन से, तो उन चीज़ों को सोच समझ कर बोले। मैं तो ये भी देखा है कि कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, रात को चाकू किसी को मार दिया, सर में कुछ टाके वाके आए, और उसके बावजूद भी मामला सीरियस बना नहीं, जबकि घर में घुसकर, उसी के घर के अंदर पार्टी चल रही है, वहां घुसकर लोगों ने उसको मारा है, और फिर भी सिर्फ सेक्शन क्या लगे, 323 और 34 IPC लगाकर छोड़ दिया। अगर कोई प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ, वो लोग चले गए वापस आपको मारने के लिए आए, तो यहां पर तो 120 भी लग जाएगा। प्लानिंग का मतलब 120 भी, 120 भी IPC का सेक्शन है, आप उसको भी पढ़ लीजिए। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो पुलिस आसानी से चीज़ों को हल्के में लेकर, हल्का केस बनाकर किसी को छोड़ने की जब कोशिश करती है, ऐसे मामलों को सीरियस आप बनाएं, जो एक्चुअल चीज़ है, जो हकीकत है, उसको सामने तो लाएं। सामने लाओगे तो पता चलेगा, हो सकता है कि मामला 326 का हो। 326 जैसे मामलों में 20 दिन का मिनिमम, मतलब आपके चोट लगी 20 दिन तक चल फिर आप नहीं सकते, हॉस्पिटल पे हो या घर में ही हो, बेड रेस्ट पर हो, तो ऐसे मामलों में 326 लग जाती है। 326 पर आप डिटेल वीडियो चाहते हो, या 307 पर डिटेल वीडियो चाहते हो, या फिर 302 पर आप डिटेल वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। जैसे मैंने अभी 323 को आपको ठीक से बताया, ऐसे ही उस वीडियो को लेकर आएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे जो भी कोई जानकारी आप चाहते हैं 326 में, या फिर जो ग्रीवियस हर्ट बोलता है 307 में, हाफ मर्डर सुना होगा आपने, या फिर मर्डर केस में 302 में कोई भी जानकारी है, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें, या कोई भी आप सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें डिस्कस करें, हो सकता है हमारे किसी भी एडवाइस से आपको सोल्यूशन मिल जाए और उस केस से आसानी से आप निकल जाए। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।